असम में बाढ़ से हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं, 6 और लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। असम में अब तक बाढ़ से 62 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लोगों की जिंदगी आफत में फंस चुकी है। तस्वीरें देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है नदियों का जलस्तर कई फुट ऊपर आ चुका है। रिहायशी इलाकों में घुस चुकी हैं ये नदियां और लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। अब तक 62 लोगों की मौत असम में हो चुकी है। लोगों को बाहर निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी लगातार जारी है। दो तस्वीरें हम दिखाते हैं बाढ़ में कैसे लाचार लोग नजर आ रहे हैं, उनके घर बार पानी में डूब चुका है और साथ ही साथ भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक नगांव की है और दूसरी मोरीगांव की तस्वीरें। असम में बाढ़ का असर कुछ ऐसा है कि इंसान और बेजुबान सभी सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं और इसी बीच मैन वर्सेस टाइगर का इनकाउंटर हुआ। एक रॉयल बंगाल टाइगर असम के नागांव में घुस गया। टाइगर के अटैक में 2 लोग घायल हुए। तस्वीरें काजीरंगा नेशनल पार्क की। यहां भी एक टाइगर बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई वाले इलाके की तरफ बढ़ रहा है। बाढ़ की ये तस्वीरें भी नौगांव से आई, जहां बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिससे पूरा इलाका डूबा हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह सैलाब बहता दिखा। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आने के बाद हालात बद से बदतर हो गए, जिस वजह से वहां रहने वाले जानवरों के लिए कई चुनौतियां बन गई। हालात का अंदाजा आप ये तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। खुद को किसी तरह बचाने के लिए जानवर इधर उधर भटक रहे हैं। गैंडा, बारासिंगा समेत कई जानवर बाढ़ के पानी में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दें कि असम में 47 जिले बाढ़ से प्रभावित है। करीब 16.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है। बाढ़ की वजह से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। असम में मौसम की मार ऐसी पड़ी कि अब पूरा सरकारी तंत्र बाढ़ से जूझ रहे लोगों को बचाने में लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। लाइफ जैकेट पहनकर केंद्रीय मंत्री बचाव दल की नाव में बैठे थे और उसी नाव में सवार होकर वो डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे थे। असम में इस वक्त बाढ़ में सबसे ज्यादा बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं। देश के कई हिस्से इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ का प्रकोप असम के साथ उत्तराखंड पर भी है। देहरादून में एक आइलैंड में 10 लड़के फंस गए थे। नदी के तेज बहाव की वजह से वो लोग वहां से निकल नहीं पा रहे थे। आखिरकार SDRF की टीम वहां पहुंची और वहां सभी 10 लड़कों को निकाल लिया। पानी की तेज धार के बीच रस्सी के सहारे उन लड़कों को SDRF ने रेस्क्यू किया। के साथ साथ मणिपुर भी बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। इम्फाल जिले के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के पानी ने कई घरों को डुबा दिया। लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और इसके कारण ही नदी का किनारा टूट गया और अब उस किनारे को दोबारा बनाया जा रहा है। इसके लिए गांव के लोगों के साथ साथ वॉलंटियर्स भी लगातार कार्य कर रही है। कैरिबियाई आइलैंड में बैरल तूफान का कहर तो बीत गया, लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। सेंट विंसेंट के एक आइलैंड के 90% घर तबाह हो गए हैं। तूफान बीत जाने के बाद अब लोग अपने घरों को चेक करने पहुंचे तो उनके घर टूटे पड़े थे। बैरल तूफान की वजह से अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग इसी यूनियन आइलैंड के रहने वाले थे। चीन की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील उफान पर है और अब इस झील ने एक मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया है। ड्रोन वीडियो में मंदिर डूबा हुआ नजर आ रहा है और इस झील के पानी ने मंदिर के साथ आसपास के कई इलाकों को भी डुबा दिया है। इस झील का सबसे बड़ा आकर्षण ये मंदिर ही था, लेकिन लगातार बारिश के बाद मंदिर भी अब इस पानी में डूबा हुआ नजर आया।